नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं जूही हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा और मथुरा के दौरे पर हैं। योगी खेरिया एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से पंडित दीनदयाल की जन्मस्थली नगला चंद्रभान में 4 दिवसीय मेले का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद कृष्ण जन्मस्थली पर भगवान के दर्शन करेंगे। इसके बाद फतेहाबाद रोड पर आयोजित उद्यमी महाधिवेशन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आज शाम को संजय प्लेस में जनकपुरी मेले का भी उद्घाटन कर सकते हैं। नोएडा महामाया फ्लाईओवर के पास बनने वाले वेस्ट वंडर पार्क के लिए डिजाइन फाइनल हुई है। ये पार्क 18.27 एकड़ में बनेगा। पार्क का नाम नोएडा जंगल ट्रेल होगा। पार्क के अंदर कबाड़ से बनी डायनासोर, गैंडा, मगरमच्छ, अजगर, बंदर की आकृति होगी। इसके साथ ही छोटी आकृति में सुंदर सुंदर चिड़ियां भी कबाड़ से बनी हुई होंगी। हरियाली प्राकृतिक रूप से विकसित की जाएगी। अथॉरिटी की तरफ से बताया गया है कि पार्क में बनने वाली आकृतियों का निर्माण एजेंसी ने शुरू करवा दिया है। ये शहर का पहला पार्क होगा जो पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। परिवार में अलग थलग पड़े और घर में रहते हुए भी एकाकी जीवन का कष्ट झेल रहे बुजुर्गों के लिए राहत भरी खबर है। जल्द ही उन्हें डे केयर सेंटर के रूप में ऐसी जगह उपलब्ध होगी जहां वे दिन भर अपना दिल बहला सकेंगे। बाहर से अपने जरूरी कामकाज निपटाने शहर आने वाले बुजुर्गों को डे केयर सेंटर में ठहरने की सुविधा रहेगी। समाज कल्याण विभाग ने वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि गठित की है। इस निधि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 5 करोड़ रुपए का अंशदान देगी। इसके अलावा निधि में व्यापारिक, औद्योगिक प्रतिष्ठानों व समाज सेवी संस्थाओं से भी CSR फंडिंग के तहत आर्थिक मदद ली जाएगी। मुंसीपुलिया चौराहे से अयोध्या रोड की तरफ जाने वाली पॉलिटेक्निक फ्लाईओवर की लेन 2 माह बंद रहेगी। इससे वाहन चालकों को पॉलिटेक्निक पुल की सर्विस रोड होकर गुजरना पड़ेगा। PWD अधिकारी के मुताबिक मुंसीपुलिया फ्लाईओवर को पॉलिटेक्निक पुल से जुड़ने के लिए पिलर निर्माण हो रहा है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। मुंसीपुलिया चौराहे पर ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। अब नगरीय निकायों की मुख्य सड़कें भी हाईवे व एक्सप्रेसवे की तर्ज पर आधुनिक बनाई जाएंगी। निकायों की 10 से 45 मीटर के बीच की सड़कों के निर्माण व पुनर्निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना अर्बन CM ग्रीड्स योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी मिल गई है। इन सड़कों में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं, यूटिलिटी डक्ट, फुटपाथ, हरित क्षेत्र, सौर आधारित स्ट्रीट लाइट, बस स्टॉप, EV चार्जिंग स्टेशन आदि रहेंगे। सड़कों के आसपास सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में गोकुल में कार्शनी आश्रम रमन रेती समीप स्थित रशखाना समाधि स्थल पर 5 दिवसीय सांझी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न चित्रकारों द्वारा रंग बिरंगी अनेक सांझी का निर्माण पहले दिन सांझी महोत्सव में किया गया। 10 से 14 अक्टूबर तक चलने वाले इस सांझी महोत्सव में न केवल चित्रकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कलाकारों को ओपन एयर थिएटर का मंच प्रदान किया गया है। जिस तरह से देश भर में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ऐसे में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अगले सत्र से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इस कोर्स के लिए मंजूरी मिल चुकी है। कानपुर के पांडुनगर स्थित ITI में सत्र 2024 और 25 में संस्थान में नए कोर्स शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से 4 नए कोर्स शामिल किए गए हैं, जिसको लेकर संस्थान में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये 4 कोर्स नए तकनीक पर आधारित हैं। इनमें से 3 कोर्स 2 साल के हैं, जबकि 1 कोर्स 1 साल का है। इसमें सबसे खास इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कोर्स है जो 2 साल का है। इसमें छात्राओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल की बारीकियों के बारे में पढ़ाया जा सकेगा। ये उत्तर प्रदेश का पहला संस्थान है जो इस तरीके का कोर्स लेकर आया है। गोरखपुर शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित कैपियरगंज के रामचौरा का केला GI टैग पाने की रेस में शामिल हो गया है। विपणन विभाग की संतुष्टि पर उद्यान विभाग ने शासन के पास प्रस्ताव भेज दिया है। रामचौरा से शुरू हुई केले की खेती इस समय 4 दर्जन गांव तक पहुंच चुकी है। यहां के किसानों को इसकी खेती से वर्ष भर अच्छी आमदनी हो रही है। ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक प्रमोद राजन चौधरी के अनुसार GI टैग मिलने के बाद यहां के किसान अपनी फसल को GI लोगों के साथ निर्यात कर सकेंगे। इसके लिए किसानों की ₹10 शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कानपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब यहाँ के विश्वविद्यालय के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विश्व भर के प्रतिष्ठित संस्थानों में जाकर पढ़ने, वहाँ के शिक्षण कार्य को समझने और तकनीकी को समझने का मौका मिलेगा। अब विश्वविद्यालय यहाँ के छात्रों को एक ग्लोबल स्कोप देने की ओर काम कर रहा है। इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स हो, स्नातक की पढ़ाई हो या PhD की पढ़ाई हो, अब हर छात्र छात्रा के लिए पढ़ाई सिर्फ विश्वविद्यालय की क्लास तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों तक वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे।
अब गुजरात की तर्ज पर पहली बार काशी में होगा इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन। नए साल की जनवरी महीने में पहली बार काशी में अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। गंगा किनारे पर्यटकों को नया एडवेंचर देने के लिए ये आयोजन हो रहा है। माना जा रहा है कि हॉट एयर बलून फेस्टिवल के बाद इस फेस्टिवल से काशी में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के साथ सभी टूरिस्ट संगठन इसकी तैयारी में जुटे हैं, जिसमें रंग बिरंगे खूबसूरत पतंग आसमान में उड़ते दिखेंगे। आज की यूपी के खबरों में फिलहाल इतना ही। अपने शहरों की बड़ी अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।